हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं या आप कैसे अपने स्नैपचैट अकाउंट को अननोन पर्सन से हाइड कर सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपने अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर टैप कर देना है। प्रोफाइल के ऊपर टैप कर देने के बाद गाइस आपने यहाँ से सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस आपने यहाँ पर अपने अकाउंट को प्राइवेट करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी है। सही है गाइस। तो जो सबसे पहला सेटिंग आपने करना है, आपने इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट मी का। सही है गाइस। तो आपने कॉन्टैक्ट मी के ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप कर देने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है एवरीवन और दूसरा है माई फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर माई फ्रेंड्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। सही है गाइज। जब आप इसको माई फ्रेंड्स पर सेलेक्ट करोगे उसके बाद सिर्फ आपके फ्रेंड्स आपको पिक्चर्स, वीडियोस, कॉल्स और स्नैप्स भेज पाएंगे। उसके अलावा अगर कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज करता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा चैट रिक्वेस्ट का। तो अगर आप चाहो तो आप एक्सेप्ट करके बात कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। सही है गाइज। इसके बाद यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है व्यू माय स्टोरी का। तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। गाइस यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एवरीवन, फ्रेंड्स ओनली एंड कस्टम। तो यहाँ पर भी आपने माय फ्रेंड्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। और अगर आप फ्रेंड्स में से भी कुछ फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ फ्रेंड्स को दिखाना नहीं चाहते, तो आपने कस्टम में जाके एक कस्टम फ्रेंड लिस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद सिर्फ उस लिस्ट के मेम्बर्स ही आपकी जो स्टोरी है उसको देख पाएंगे। सही है गाइस। के बाद आपने इसको यहाँ से बैक करना है और यहाँ पर आपने एक लास्ट सेटिंग्स करनी है। आपने सी मी एन क्विक एड के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपने क्विक एड को डिसेबल करना है। क्विक एड इज़ लाइक अ म्यूचुअल फ्रेंड सजेशन। तो यहाँ से अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को आपका अकाउंट सजेशन में नहीं दिखाई देगा। आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स, टू म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो इसी तरह आपका अकाउंट जो है वो वहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड सजेशन में नहीं जाएगा। तो जब आपका अकाउंट म्यूचुअल फ्रेंड सजेशन में आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को दिखाई नहीं देगा तो आपका अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा और कोई भी अननोन पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ ये कुछ स्टेप्स आपने करने हैं अपने अकाउंट को प्राइवेट बनाने के लिए। गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।